कैथल की डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर प्रियंका सोनी ने शुक्रवार को जिला समाज कल्याण अधिकारी के दफ्तर का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद डॉक्टर प्रियंका सोनी ने कर्मचारियों के काम करने के तरीके पर संतोष जताया, लेकिन दफ्तर की सफाई व्यवस्था और रिकॉर्ड रूम की स्थिति पर चिंता जताई। डॉक्टर प्रियंका सोनी ने दो दिन के भीतर सफाई और रिकॉर्ड रूम की व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिए। जिला समाज कल्याण अधिकारी के दफ्तर में बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए। डिप्टी कमिश्नर प्रियंका सोनी ने कर्मचारियों को अपने काम के प्रति अपडेट रहने, लोगों को सरकार की ऑनलाइन सुविधाओं की जानकारी देने और उनको अंत्योदय केंद्र भेजने के लिए भी कहा। इस मौके पर कुछ लोगों ने डॉक्टर प्रियंका सोनी से अपनी निजी समस्याओं के बारे में भी बात की। डॉक्टर सोनी ने कर्मचारियों को इन लोगों की समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए पाबंद किया। यहाँ पे जो कुछ एक कर्मचारी हैं, उनकी NIC में ड्यूटी लगी हुई थी, तो कुछ कर्मचारी वहाँ पे पाए गए थे और कुछ एक प्रोग्राम्स के चलते वो DSW जो है वो भी अवेलेबल नहीं थे ऑफिस में। और बाकी जो मेन जनता की समस्याएं हैं, जो लोग आए हुए थे उनका प्रॉपर ढंग से डिस्पोजल किया जा रहा था। सभी जो कर्मचारी हैं वो अपने सीट पे बैठे हुए थे। और रही बात जो यहाँ पे सफाई व्यवस्था है, वो बहुत ही खस्ता हालत में है और जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो भी बहुत पुअर पोजीशन में है। तो अभी दो दिन का समय दिया गया है, जिसके चलते दो दिन में यहाँ की जो सिचुएशन है उसको इम्प्रूव किया जाए। अभी लाइट गई हुई है तो उसके लिए भी ऑल्टरनेट व्यवस्था इनको करने की कही गई है, ताकि रिकॉर्ड रूम में बिना जब लाइट ना हो तब भी लोगों को असुविधा ना हो। मैम, अधिकारी जो है यहाँ पर, वो उनके पास दो जिले हैं, एक फतियाबाद और एक कैथल, जिसके कारण वो कैथल को समय नहीं दे पाते, तो इस बारे में क्या? इस बारे में भी सरकार को अवगत कराया जाएगा, और ताकि उनको एक ही जिला रहे तो यहाँ पे वो पूरा टाइम दे पाएंगे और लोगों की समस्याओं का हल किया जाएगा। और वैसे आजकल सारी सुविधाएं जो है वो ऑनलाइन ही मिल रही है, तो लोग ऑनलाइन जो सुविधाएं ले रहे हैं उसमें किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कैथल जिला प्रशासन के काम करने के तरीके पर भी दो शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।